Hello children, in previous lecture we discussed about chapter number 6 colonization at the city. डिस्कस कर रहे थे हम लोग किस प्रकार कॉलोनी यानी ब्रिटिश कॉलोनी ने इफेक्ट डाला है सिटीज़ पे, ये हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे आपने कई टॉपिक्स पढ़ा. स्पेशली आपने टॉपिक पढ़ा सिटी दिल्ली के बारे में. मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि दिल्ली कैपिटल कैसे बना और कई सारे पॉइंट उस पर डिस्कस किया था. पार्टीशन का क्या इफेक्ट पड़ा दिल्ली पे, ये कल हम काफ़ी एक्सप्लेन करके इसका लेक्चर देख रहे थे कि दिल्ली पे क्या इसका फ़र्क पड़ा, कैसे दिल्ली को न्यू दिल्ली बनाया गया, किस प्रकार मुगल्स एम्पायर के रेपुटेशन को ख़त्म कर लिए ब्रिटिशर्स द्वारा, कई प्रकार की चालें चली गई दिल्ली में, दिल्ली को किस प्रकार न्यू दिल्ली में कन्वर्ट किया गया, वो दिल्ली एक पुरानी दिल्ली बनाई गई एक नई दिल्ली बनाई गई, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत दिल्ली के बारे में. आगे मैंने पार्टीशन पढ़ाया कि पार्टीशन का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा दिल्ली में, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ गया वहाँ जॉब वगैरह का बड़ा दिक्कत हो गया, अनएम्प्लॉयमेंटी कितनी बढ़ गई, ये सब डिस्कस कर रहा था. उसके बाद मैंने आपका डिस्कस किया था इनसाइड द सिटी ओल्ड सिटी के बारे में, यानी शाहजहानाबाद के बारे में डिस्कस किया, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था. वो शाहजहानाबाद कितना अच्छा सिटी रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा अपने फायदे के लिए उस दिल्ली को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया और इससे दिल्ली को कितना नुकसान हुआ, ये सब हम पिछले लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपका चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वीडियो ले रहा हूं और इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 भी स्टार्ट करूंगा. इसलिए आज चैप्टर के लास्ट लेक्चर के साथ साथ मैं आपके एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं उसे सॉल्व करिए. पहले आए सेकेंड लास्ट टॉपिक देख लेते हैं और वो हेडिंग है डिक्लाइन ऑफ हवेली, डिक्लाइन ऑफ हवेलीज. ठीक, आप देख ही रहे हैं कितना लंबा चौड़ा चैप्टर है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. इसके बारे में क्वेश्चंस अभी तक कभी बने नहीं और क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए. आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो मुगल्स एम्पायर के जो भी मेंशन रहे हो या जो भी हवेलीज रही हो उनको तोड़ दिया है ब्रिटिश सरकार ने और उनकी जगहों पर कुछ अपने लिए अपने अकॉर्डिंग उस रूम बनवाया है या जो भी डेवलपमेंट किया वो अपने अकॉर्डिंग किया है. क्लियर. उसी प्रकार जितने भी हवेलीज में मेंशन बनाए गए थे मुगलिया एम्पायर के द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा उन सब को ख़त्म कर दिया गया. जिन हवेलियों में कई सारे कोर्टयार्ड थे, कई सारे रूम्स थे, उनका खुद के यूज़ के लिए भी रख लिया गया. जैसे जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे सामान वगैरह, वो सामान वामान ला के वहीं रखते थे, मतलब एक तरह से वो गोदाम का काम करने लगा. कई सारे हवेलियों को ख़त्म कर दिया गया. जो छोटे छोटे मेंशन थे, जो छोटे छोटे कमरे थे, उन कमरों को ब्रिटिशर्स अपने यूज़ के लिए प्रयोग में लाने लगे. आप देख सकते हैं पिक्चर में बनाए गए हैं कई सारे रूम, उसमें क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने कई सारे हवेलीज के जो रूम होते थे अंदर, उन रूम को रेंट पर दे देते कई सारे शॉपकीपर्स को. इस प्रकार जितनी भी हवेलियां, क्योंकि इनको मुगल एम्पायर के रेपुटेशन को ख़त्म करना था, इसलिए रेपुटेशन तो ख़त्म होगा ना जब उनका नामो निशान आप मिटा देंगे. ठीक वही ब्रिटिशर्स ने किया, मुगलिया एम्पायर को ख़त्म करने के लिए पूरे उन्हें मेंशन वगैरह इन सब को तोड़ ओड़ के रख दिया. वही सब टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ हवेलीज में. इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, इसलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसे पढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ. जो लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का है वो है द म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान. अब दिल्ली के हालात चेंज हो गए, जैसे आपने देखा अब दिल्ली में किस प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क किया है और किस प्रकार दिल्ली को फिर से सुधारने की कोशिश किया है वो डिस्कस करेंगे इस हेडिंग में. मैंने बताया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा अच्छा वर्क किया था दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, लेकिन पैसा काफ़ी बहाया लेकिन वो पैसे का असर नहीं दिखा दिल्ली में और दिल्ली और वीरान हो गई थी. डिस्कस करते हैं लास्ट हेडिंग उसी के बारे में. 1931 में सेंसस हुआ है, जनगणना की गई है दिल्ली की, तो पता चला जो पुरानी दिल्ली है वहाँ एक एकड़ में लगभग 90% रहते हैं, 90 लोग रहते थे. और वहीं अगर न्यू दिल्ली की बात किया जाए तो एक एकड़ में मात्र 3% थे. तो इस तरह का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि ओल्ड दिल्ली में और न्यू दिल्ली में कितना ज़्यादा डिफरेंस था. हुआ ये ब्रिटिशर्स ने जो न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश किया अपने अकॉर्डिंग, उसमें किसी इंडियंस को तो ये आने ही नहीं देते थे, अपने लिए ही उसे रिजर्व रखते थे कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स रहेंगे, उन्हीं ब्रिटिशर्स का अपना ट्रेड वगैरह सब कुछ वो यहीं से करेंगे. इंडियंस अगर वहाँ आते भी तो इंडियंस को ये क्या करते थे, यहाँ से भगा देते थे, पुरानी दिल्ली में उन्हें फेंक देते थे. इस वजह से पुरानी दिल्ली में सोचिए एक एकड़ में 90 लोग रहे हैं और नई दिल्ली में एक एकड़ में 3 लोग, ये डिफरेंस रहा है. क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली में केवल और केवल ब्रिटिशर्स अपने मेंशन को बना के अपने घरों को बना के रहते थे, किसी इंडियंस को यहाँ एंट्री नहीं करने देते थे. क्लियर.
तो आगे जाके 1888 में 1888 में लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम एक आया है। लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम लाया गया है रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा। ब्रिटिश स्थायी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जानने की कोशिश किया कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए, क्या दिल्ली में किया जाना चाहिए, ये सेंसस से पहले की घटना है। तो रॉबर्ट क्लार्क ने एक इम्प्रूवमेंट स्कीम लाया था। उन्होंने कहा था ऐसा है जिनको रहने के लिए घर नहीं, उन्हें दिल्ली में बसाया जाना चाहिए, चाहे न्यू दिल्ली में बसाओ या ओल्ड दिल्ली में, लेकिन उन्हें जगह देना चाहिए। जिनको रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दीजिए, अगर इस प्रकार का कार्यवाही आप नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स का जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव जाएगा, और निगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से वो दिन दूर नहीं जब 1857 का रेवोल्यूशन एक बार फिर होगा, क्योंकि 1857 का रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मन में एक डर तो पैदा ही कर दिया था। इसलिए 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा अगर आप 1857 दोबारा नहीं चाहते हैं तो कृपया करके इनको रहने के लिए जगह दीजिए और इनके जॉब का कोई ना कोई इंतजाम करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी रेवोल्यूशन 1857 से भी बड़ा होगा। कारण ये है कि 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हो चुका है और कांग्रेस अब डिमांड कर रही है अपने अधिकारों की कि ब्रिटिशर्स भैया अब थोड़ा थोड़ा अधिकार हमें भी दीजिए, हम इस लायक हो गए हैं कि अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को संभाल सकते हैं, इसलिए कृपया करके हमें थोड़ा अधिकार दीजिए। कांग्रेस की बार बार डिमांड करने की वजह से रॉबर्ट क्लार्क पर बड़ा दबाव था और रॉबर्ट क्लार्क ने यह रिक्वेस्ट किया है ब्रिटिश क्वीन से। महारानी ने इस बात को कहा जाता है एक्सेप्ट किया और महारानी ने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। कई सारे पैसे उन्होंने भिजवाए थे कि भैया कुछ घर बनवाइए, उन्हें इन लोगों को एडजस्ट कीजिए, और वैसा हुआ भी, लेकिन न्यू दिल्ली में उन्होंने नहीं किया, ये सारा इन्वेस्टमेंट ओल्ड दिल्ली में किया और ओल्ड दिल्ली में पूरा एकदम बाजार बना दिया उसको, ओल्ड दिल्ली को। क्लियर है, कहा जाता है परेशानियां और आगे बढ़ने लगी। 1931 के बाद परेशानियां और बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये वही समय है जब इंडिया में कई सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, कई सारे मूवमेंट किए जा रहे हैं, और इन मूवमेंटों की वजह से 1936 में ब्रिटिश मजबूर होकर दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाए हैं। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनवाया है उन्होंने, ये बनवाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उस पहले हुए रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए एक प्रकार का चाल चला और दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना दिया 1936 में। आपको ये भी पता होना चाहिए 1935 में भारत में एक एक्ट आया था, उसी एक्ट को कहते हैं 1935 इंडियन गवर्नेंस एक्ट, भारत शासन अधिनियम कहते हैं उसे। उसी एक्ट के द्वारा इस ट्रस्ट के गठन की बात कही गई और इसे गठित किया गया। गठन करने के बाद इस ट्रस्ट ने पूरा दिल्ली घूमा कि क्या किया जाना चाहिए दिल्ली में, क्या नहीं। तो उन्होंने कहा भाई दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन सब ओल्ड दिल्ली में है, इसलिए समय आ गया है कि न्यू दिल्ली में उन पॉपुलेशन को एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट कैसे किया जाएगा भैया, तो न्यू दिल्ली में कुछ और सिटी बनाइए, दरियागंज, साउथ, ये दो सिटी बनाए गए हैं दिल्ली में जहाँ एडजस्ट किया गया है उन इंसानों को जिनको न रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए कोई भोजन, इनको वहाँ घर बना के दिया गया, साथ ही इनके रहने खाने की भी व्यवस्था की गई। ये इन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छी पहल की गई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अब लेट हो चुका है। आपने ये सुधार जरूर किया लेकिन बहुत लेट किया, पिछले 100 सालों से आप हमें लूट रहे थे और अंतिम समय आप मुझे ये थोड़ा सा टुकड़ा क्या दे देंगे, आप समझ रहे हैं कि हम उन दुखों को भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि 1940 में पर्सनल सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में इन लोगों ने इंडियंस का साथ दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 आपका फिनिश होता है, जिसमें आप कई सारे तमाम हेडिंग आपने पढ़ा। स्पेशली अगर मैं बात कहूँ तो आपने दिल्ली के बारे में जाना और वही सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, मेन टाउन है इस चैप्टर का, वही कैपिटल है आपके भारत का। आज आपने दो टॉपिक पढ़ा, डिक्लाइन ऑफ हवेली जो बहुत एक्सप्लेन करके दिया है लेकिन इतना एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आते ही नहीं और ना ही इसे कभी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो एक बार आप पढ़ लीजिए। जो लाइंस समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जब मुलाकात होगी तो मैं उसे समझाऊँगा, नहीं तो जितना मैं समझाया उतना ही पढ़ के आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा है वो म्यूनिसिपैलिटी पढ़ा है, बिगिंस टू प्लान पढ़ाया कि किसने का प्लान बनाया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने और उसी के अकॉर्डिंग दिल्ली को डेवलप करने की कोशिश किया। क्लियर, तो आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे और मेरे पास जितना जल्दी हो सकेगा सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज एज नेचुरल, जैसा मिलता है आपको बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वन लाइनर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा वन लाइनर को भी सॉल्व करिए, यानी पूरा बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर वन बहुत लेंदी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिया, यानी मात्र 5 क्वेश्चन इसके अलावा मैंने आपको दिया है, नहीं तो क्वेश्चन तो मेरा था कि मैं 10 क्वेश्चंस बनाता, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, टफ हो जाता है, इसलिए मैं सोचा कि 6 क्वेश्चन ही आप करिए। अगर 6 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस के ही आंसर अगर आप क्लियर दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा मुझे कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, इसलिए और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पे और क्वेश्चन अगर बनते भी हैं तो आप बड़े आराम से उन्हें कर सकते हैं, अगर ये 5 क्वेश्चन आप अपने मन से किया है तो। फिर एक बात मैं कहूँगा, क्वेश्चंस को अपने मन से करने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम हो रही है तो ही बुक का हेल्प लीजिए, और अगर आप बुक का हेल्प लेते हैं तो कृपया करके उस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। अपने मन से देंगे तो बहुत अच्छी बात है, टूटी फूटी ही सही, जो भी स्टोरी आपने जाना है अपने शब्दों में दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई 3 डिफरेंसेस इन द सिटी डिज़ाइन ऑफ दिल्ली एंड शाहजहानाबाद, ये दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली और शाहजहानाबाद के सिटी डिज़ाइन में 3 डिफरेंस किस प्रकार का है वो आपको पॉइंट वाइज बताना है, पॉइंट 1, 2, 3 करके बताइए कि शाहजहानाबाद जिसे शाहजहाँ ने इस्टेब्लिश किया और वर्तमान में न्यू दिल्ली जो आप देखते हैं जिसे ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया, उन सिटीज़ में 3 प्रकार के डिज़ाइन का क्या डिफरेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाई डी अर्बनाइजेशन, मैंने आपसे डिस्कस किया था किसी वीडियो में कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, डी अर्बनाइजेशन क्या होता है, आप उसका आंसर दीजिए, बस मुझे डी अर्बनाइजेशन मुझे समझाइए क्या होता है, अर्बनाइजेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन केवल डी अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ब्रिटिश चूज टू होल्ड अ ग्रैंड दरबार इन न्यू दिल्ली ऑल्दो इट वॉज नॉट अ कैपिटल, दिल्ली एक कैपिटल नहीं था, आपको पता है 1911 में जाके दिल्ली कैपिटल बना है, उससे पहले ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, क्यों क्यों ग्रैंड दरबार लगाया गया, वाई, क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 1911 में कैपिटल बनाने से पहले ही इस दिल्ली सिटी में एक बहुत बड़ा ग्रैंड दरबार आयोजित किया गया, एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया, क्यों किया गया आप उसका डिस्कशन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, अच्छी बात यह है ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि इन सारे क्वेश्चन को मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया कि आपके वीडियो में मैं उसके बारे में बताया ना हूँ, मैं अपने वीडियो में ज़रूर उनके बारे में बताया हूँ, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, वीडियो ध्यान से देखेंगे तो खुद आंसर कर लेंगे, आपको बुक के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर वन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार समझाया आपको, शॉर्ट नोट भी लिखने को दिया था, हाउ डिड द पार्टीशन इफेक्ट लाइफ इन दिल्ली, दिल्ली में पार्टीशन का क्या इफेक्ट पड़ा, बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने आपको पढ़ाया भी पार्टीशन, आपका एक शॉर्ट नोट भी आपने कल लिखा होगा इसको लेके, आज उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सेम है क्वेश्चंस लेकिन मैंने जानबूझ के दिया, कम से कम आपका पार्टीशन एक बार रिपीट हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बुक से मत देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस अपने मन से कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, Where did British live in 1870s? 1870 के दौरान ब्रिटिशर्स कहाँ रहते थे, Where live in कहाँ रहते थे, ये डिस्कस करिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर आपका बुक एक्सरसाइज ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ ही ली किया कि शाहजहानाबाद और न्यू दिल्ली में किस प्रकार का डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि डी अर्बनाइजेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिल्ली दरबार में ग्रैंड दरबार क्यों आयोजित किया गया जबकि वो कैपिटल भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 पार्टीशन का दिल्ली पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्वेश्चन नंबर लास्ट 1870 के दौरान ब्रिटिश कहाँ पे रहते थे, वेयर डिड कहाँ रहते थे, ये 6 क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके मेरे पास भेजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन अपने मन से ही करिएगा। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करूँगा। क्लियर, आपका ये चैप्टर एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपका चैप्टर जैसे आपने पढ़ा कॉलोनाइजेशन इन द सिटी, सिंपल पढ़ाने का मकसद बस इतना
कि ब्रिटिश कॉलोनी का सिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा, सिटीज़ किस प्रकार सर्वाइव हो पाए हैं। पढ़ाने का मकसद बस इतना था। आपने देखा 1861 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ब्रिटिशर्स के तीन सबसे बड़े सेंटर थे और ब्रिटिशर का सारा फोकस मात्र इन्हीं तीन सिटीज़ पे था और किसी सिटीज़ को वो ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, मुगलिया एम्पायर को ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश किया दिल्ली में, लेकिन मुगलिया एम्पायर ख़त्म तो ज़रूर हुआ, उनके मैंसन को ख़त्म कर दिया, उनके हवेलीज़ को ख़त्म कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से आप मुगलिया एम्पायर को निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा खेल खेला, उसने क्या किया, दिल्ली का ही ऐसा डेवलपमेंट करने लगा कि वहाँ मुगलिया एम्पायर का कोई सिंबल ही ना रहे, यानी मुगलिया एम्पायर के रेपुटेशन को ही ख़त्म करने की कोशिश की। हालाँकि बहुत कोशिश की, लेकिन जब एक बार इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं जितना उसे लिखना होता है। आप उसे मिटा नहीं सकते, आप मिटा देंगे तो वर्ल्ड उसे अपने पास रखा है जिसके ज़रिए हम उनके बारे में जानेंगे। इसे तमाम कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन वो हटा नहीं पाया और दिल्ली में एक बार फिर मुगलिया एम्पायर को लोग याद करने लगे। आगे फिर आपने पढ़ा दिल्ली से, कई सारे दिल्ली से मिला के न्यू दिल्ली कैपिटल कैसे बनाया गया। उसमें आपने देखा 14 बड़े कैपिटल सिटी को मिला के न्यू दिल्ली बनाया गया, किस तरह न्यू दिल्ली आपका कैपिटल बना, आपने ये भी पॉइंट देखा। लास्ट जो टॉपिक देखा वो पार्टीशन देखा, किस प्रकार पार्टीशन का इफेक्ट पड़ा दिल्ली पे, दिल्ली में पार्टीशन का क्या इफेक्ट पड़ा, दिल्ली और शाहजहानाबाद के बीच क्या डिफरेंस था वो आपने नेक्स्ट रीडिंग में देखा, जहाँ शाहजहाँ दौरा बनाए शाहजहाँबाद को मैंने काफ़ी डिस्कस किया। नेक्स्ट रीडिंग आपने डिक्लाइन ऑफ हवेली देखा, पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ हवेली का किस प्रकार डिक्लाइन किया गया। लास्ट जो टॉपिक है आपका द म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान पढ़ाया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए कई अच्छे अच्छे कार्य किए, जहां उन्होंने रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम चलाया, वहीं 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया जिसके जरिए दरियागंज साउथ जैसे दिल्ली सिटी का डेवलपमेंट किया गया। न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली को बराबर बराबर भाग में लाया गया कि भैया ओल्ड दिल्ली में अगर आप बसते हैं तो न्यू दिल्ली का भी खुला हुआ है, ओपन है, वहाँ भी जाकर आप बस सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह बराबर एडमिनिस्ट्रेशन है। कुछ ये टॉपिक आपने डिस्कस किया, आपके लिए 6 क्वेश्चन लेकर आया गया है जिसे आप सॉल्व करिए, बुक एक्सरसाइज करिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच करना और वन वर्ड क्वेश्चन, साथ ही ये 5 क्वेश्चन आपके लेंथी हैं, थोड़ा इनको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।